हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। माय सेल्फ व्यास भूमिका। टुडे आई विल टीच यू स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश पोएम 9 गार्डन स्नेक। सो द पोएट ऑफ द पोएम इज मुरियल एल सोने। सो फॉर दिस पोयम ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 137। टेक अ पेंसिल। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ मंगूस और गेटिंग इनटू अ हॉल और स्विमिंग इन द रिवर? क्या आपने कभी स्नेक और मंगूस की फाइट देखी है और उनको हॉल में जाते हुए या तो रिवर में स्विमिंग करते हुए देखा है? ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। मतलब कोई लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि स्नेक डेंजरस है। सम आर, मोस्ट आर नॉट। उसमें से थोड़े जहरीले हैं। रीड दिस पोयम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। ये पोयम रीड करनी है जिसमें गार्डन में हार्मलेस स्नेक है, मतलब किसी को परेशान नहीं करने वाला। सो लेट्स सी। फर्स्ट लाइन इज आई शो अ स्नेक एंड रन अवे। मैंने स्नेक को देखा और मैं वहाँ से भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। लोग कहते हैं कि थोड़े से स्नैक्स डेंजरस होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। बट मम्मी कहती है कि ये जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हीज फूड। और अपना पेट भरने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन्स। So when he giggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake. It's just a harmless garden snake. मतलब जब वो घास में से लहरा कर चलेगा तो मैं एक साइड में खड़ा हो जाऊँगा और उसे वहाँ से पास होने दूंगा और मैं अपने आप को कहूंगा कि मेरी मिस्टेक नहीं है, ये जो स्नेक है वो काटने वाला स्नेक नहीं है, इसे हम गार्डन स्नेक कहते हैं। ओके बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोयम वेरी वेल। थैंक यू।